द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, दैट इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, एंड करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जो फिज़िकल कंडीशंस होगी जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? कांस्टेंट होगी। और हमें यह भी पता है कि ओम्स लॉ में वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो ग्राफ बनता है ओम्स लॉ का, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। सो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको आप वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी बोल सकते हो। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो आर लग जाएगा। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। और फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये। और उसके बाद हमने डिडक्शन करनी है ओम्स लॉ की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कि ये जो V इक्वल्स टू आई आर है, ये कैसे आया, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन तीनों की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करें V इक्वल्स टू आई आर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। E चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई मास। और E क्या होता है? V अपॉन L होता है। ओके, तो E की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो V अपॉन L आ जाएगा। ओके, I क्या होता है? N A E V D होता है। A N E आप कांस्टेंट बाहर रखो और V D की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम एल वी। और ये जो आई है ये इस वी के नीचे आ जाएगा। ओके, ये जो आई है इस वी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एम एल को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ये वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, इसको हम आर बोल देंगे। तो आर हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V अपॉन I इक्वल्स टू R हो जाएगा। और R की वैल्यू हमारे पास क्या है? एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू। ये फॉर्मूला भी आप न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल करोगे, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ भी गिवन हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो ही आप वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको डिडक्शन आती है ओम्स लॉ की तो ये 2 मार्क्स के लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज़ दैट इज़ वेल हेल्पफुल ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए भी याद रखना है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में फाइनल रिलेशन आर की वैल्यू क्या है? एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है।